नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार महिलाओं को जैसे ही ओवुलेशन का टाइम नज़दीक आता है या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने की बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी होती है, तो वो अपने ओवुलेशन को समझती हैं, फिर रिलेशन बनाती हैं और ओवुलेशन के जस्ट बाद इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं हुआ है इसको जानने की बहुत ज़्यादा उनको जल्दी होती है। इम्प्लांटेशन एक ऐसा भाग है जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके गर्भ का स्थापना हो चुका है, आपके गर्भ में एक बच्चा रुक चुका है और इसकी जानकारी आप घर बैठे बिना किसी टेस्ट के भी ले सकती हैं। तो आज मैं ऑथेंटिक तरीका बताऊंगी जिससे कि आपको घर बैठे आसानी से पता लगाने में मदद मिलेगी कि इम्प्लांटेशन के बाद आपको सक्सेसफुली कंसीव होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन के बारे में मैं बेसिकली कई बार बता चुकी हूँ कि जब कोई महिला का पीरियड शुरू होता है तो पीरियड्स के नेक्स्ट डे से ही उनके गर्भाशय के अंदर उनके अंडाशय में यानी ओवरीज में अंडा बनना शुरू होता है, जो कि 14वें दिन मिनिमम आपके ओवुलेशन का डे आता है पीरियड्स के बाद, जब आपका एक जो है फिलोपियन ट्यूब कैप्चर करती है और वहां पे ट्यूबल टू 24 आवर तक वेट करती है। अगर इस दौरान आपके पार्टनर का हस्बैंड का स्पर्म मिल जाता है, दोनों फर्टिलाइज्ड होते हैं और प्रेगनेंसी फिर कंसीव होने के लिए इम्प्लांटेशन का फेज शुरू हो जाता है, जो 14वें दिन के आगे जो एक सप्ताह बचता है जब आपका एक फर्टिलाइज्ड होता है तब उसमें कंप्लीट होता है। तो इम्प्लांट जब आपके गर्भाशय के अंदर आपके यूट्रस के अंदर एक बच्चा हो रहा है तब आपके शरीर में छोटी मोटी सी चेंजेस तो बिल्कुल विजिबिलिटी से आपको दिखाई देगी। इसका सबसे पहला जो एक मेन सिम्टम्स होता है, लक्षण होता है, वो होता है इम्प्लांटेशन क्रैम्प होना। इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग का मतलब होता है कि गर्भ की जो दीवाल होती है, गर्भ की दीवाल में जाकर के जब एक भ्रूण चिपकता है तो गर्भ की दीवाल में एक छोटा सा गड्ढा बनता है और जिसकी वजह से ये दर्द शुरू होता है महिला को। और ये दर्द आप तीन तरह से नोटिस कर सकती हैं। सबसे पहला कि अगर पेट में खिंचाव हो रहा है आपके, दूसरा कि अगर माइल्ड सा पेन हो रहा है, चुभने के जैसा पेन हो रहा है, या फिर तीसरा अगर झुंझुनाहट के जैसा दर्द होता है आपको बार बार और ये बहुत माइल्ड सा होता है, लगभग पीरियड्स के 14वें दिन के बाद कभी भी हो सकता है, तो ये आपके इम्प्लांटेशन को दर्शाता है। दूसरा और इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो सिम्टम्स होता है वो होता है इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग को दिखाई देना। इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग जो होती है वो कई सारी महिलाओं में रेगुलर बेसिस पे तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ फीमेल में हल्का सा दाग लगा हुआ ब्राउन कलर का, जो कि पीरियड स्टार्ट होने के पहले होता है ना, बिल्कुल एज इट इज़ आपको अगर पैंटी पे शो हो रहा है तो ये इम्प्लांटेशन को रिलेट करता हुआ सिम्टम्स है और इससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है। इसके अलावा तीसरा और सबसे इजीएस्ट यानी कि बहुत आसान और बहुत ही ऑथेंटिक तरीका बताती हूँ कि आप अपने बॉडी के विजल बॉडी टेम्परेचर को नोट करिए। डेली सुबह उठने के बाद आप अपने बॉडी का टेम्परेचर नोट करिए। अगर 14वें दिन के बाद आपको कभी भी एक बार डीप यानी कि एक बार आपकी बॉडी जो रेगुलर आ रही है इसकी जो टेम्परेचर उसमें गिरावट और फिर से हाई इंक्रीजमेंट दिखाई दे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या हाफ एन डिग्री फ़ारेनहाइट 12 to 24 आवर्स के अंदर, तो समझ जाइए कि इम्प्लांटेशन बॉडी कर रही है। इसके साथ ही और कई सारे सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं अगर सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाता है, जिसमें सबसे पहला पीरियड्स मिस होना, मूड स्विंग होना, वोमिटिंग टेंडेंसी आना, आपको बार बार कुछ खाने की क्रेविंग सी होना जिसे फूड क्रेविंग बोलते हैं। इसके अलावा यूरिनेशन का फ्लो बढ़ जाता है तो यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, हेडेक सा होने लगता है। तो ये तमाम जो सिम्टम्स होते हैं अगर बहुत आसानी से आप फील कर रही हैं तो उसी समय से आप श्योर हो जाइए कि गर्भ रुकने वाला है और जितना हो सके टेंशन से दूर रहिए, क्योंकि आपका गर्भ स्थापित जब होता है तो हार्मोनल आपके इम्बैलेंस की कंडीशन बॉडी के अंदर होनी नहीं चाहिए और स्ट्रेस लेने के वजह से हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, डिस्टर्ब्ड होते हैं, तो फिर प्रेगनेंसी रुकने में और दिक्कत होने लगती है। तो आई रियली होप कि आप समझ गई हैं कि किस तरह से आप घर बैठे इम्प्लांटेशन हुआ है सक्सेस या नहीं ये जान सकती हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। मन में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन मेंशन करिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम पूजा है, अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी। थैंक यू।